माँ बागेश्वरी के चरणों में नमन करती हूँ। नौ झील की इस पावन धरा पावन भूमि को प्रणाम करती हूँ और आप सभी को चार पंक्तियों के माध्यम से आप सबके दिल तक पहुँचने की कोशिश करती हूँ कि नाम आपके कलाम करती हूँ, कि नाम आपके कलाम करती हूँ, खूबसूरत प्याम करती हूँ। और तालियां बजाकर दीजिएगा अपना आशीर्वाद आप सभी को, हाथ जोड़कर राम राम करती हूँ। वाह क्या बात है। जय मंच से इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है तू तो श्रोतान ते ले ले, हमारी तो इजाजत है जी। नहीं मंच पर सभी वरिष्ठ कलमकार उपस्थित हैं, मेरी बड़ी दो बहनें भी मंच पर उपस्थित हैं। मैं उन सबसे इजाजत मांगते हुए आप सबकी एक बार जोरदार तालियां बजा करके अपना आदेश कर दें। स्वागत है। अभी मैं थोड़ी देर बाद देखूंगी कितने लोग जय श्री राम बोलेंगे और कितनी देर बाद कौन नहीं बोलेगा जय श्री राम। मैं जय श्री राम सबसे बड़ा मानती हूँ जो माता पिता के चरण स्पर्श करता है, और वो सबसे बड़ा मेरी नज़र में सबसे बड़ा उच्च श्रेणी में होता है, क्योंकि जो अपने माता पिता की सेवा करता है वो भगवान को पा लेता है। इसलिए चार पंक्तियाँ भगवान श्री राम से ही शुरू करना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के रूप को प्रणाम करती हूँ, श्री कृष्ण की आपकी झोली में रखती हूँ, चार पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। ये सब रूबिया, ये सब वाइब्रेशन मोड पे आ गए। नहीं वाइब्रेशन मोड पे तो नहीं जा सकते क्योंकि ये जागृत श्रोता हैं और नौ झील के हैं, तो नौ झील जहाँ होती हैं वो अच्छे अच्छे को पानी पिला देती हैं, इसलिए पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। आपकी तालियां चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि समंदर से किनारों का जो संगम काश हो जाता, वाह हमारी भी मोहब्बत का जरा एहसास हो जाता, वाह हमारी भी मोहब्बत का जरा एहसास हो जाता, जो कान्हा की तरह हृदय में मेरे तुम समा जाते, जो कान्हा की तरह हृदय में मेरे तुम समा जाते, तो दुनिया में कहीं अपना अमर इतिहास हो जाता। वाह वाह वाह।